अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है जी। तो आज की सुबह का आगाज़ हमारा फिर अपने यार्ड से हो रहा है। अदनान भाई ने ट्रक स्टार्ट कर दिया, मेरा भी और अपना भी, मेहरबानी अदनान भाई की। सर्दी में आ गए, पहले ही उन्होंने ट्रक ये देखे स्टार्ट कर दिया मेरा। हाँ हाँ हाँ, उधर नहीं है सर। तो समय लेना, गड्डी जी बैठा हूँ उधर, देखिए सर। इधर नहीं भाई, मैं इधर थैंक यू कर रहा कि ट्रक स्टार्ट दा। अपनी सीट ते इथों ही देखो तुसीं की कहिंदे हो। आए हाय हाय, लो जी सर जी, दिल नहीं भी करदा ते तुसीं काम ते ध्यान ही है, रमजान है, दिल वाकई नहीं सी कर रहा काम ध्यान ते। लेकिन इस तरह देखिए, इस तरह हम करते हैं साथ साथ अपना काम, बनाते हैं जी। दोस्तों देखो जी, ट्रक च बह के पहले दो काम जिहड़े सी करने ने होए ने, ट्रिप शीट है। ट्रिप शीट फिलहाल मैनुअल है, असी पेपर दे उत्ते इहनू सिर्फ सिटी च काम करने आ ते असी फिल करनी होंदी बस। ते उस तो बाद अपनी एक लॉग बुक बनाने आ, असी है लॉग बुक करते टाइम पा देना, किस टाइम काम स्टार्ट किया, किहड़ा असी फ्रेम चुके हैं, किहड़ा ट्रेलर चुके हैं, किहड़ी चेसी चुकी है, किहड़ी कंपनी है। स्पेशल जिहड़े इत्थे बाहर पुलिस वाले ने उन्होंने ड्यूटी कहिंदे ने, जिहड़े साडे वर्गे बंदे नूं फड़दे ने ट्रकां नूं, हैवी इक्विपमेंट का जिहड़ा काम करदे ने उन्हां वास्ते इत्थे स्पेशल पुलिस हैगी, उहदा नां है DOT। उह चैक करदे ने, उह लॉग बुक चैक करदे ने, तुहाडी ऑफ ड्यूटी चैक करते हैं कि तुम पिछले दिनों छुट्टी की किया, 5 दिन का रिकॉर्ड, 2 वीक का रिकॉर्ड तुहाडे कोल होना चाहिए कि 2 वीक तुम पिछले की किया है, वह रिकॉर्ड एवरी टाइम तुहाडे कोल मौजूद होना चाहिए। और ट्रक की इंस्पैक्शन करते हैं, तो जो ट्रेलर नाल है ट्रेलर की भी कर लेना, वेट चैक करते हैं कितना वेट तुम लैके जा रहे हो, चीज़ों का ध्यान रखी। किलोमीटर असी सुबह आके लिख लेते हैं जिहड़े किलोमीटर तो स्टार्ट करी दा, तो जिहड़े किलोमीटर ते एंड करदे ने उसे किलोमीटर नूं असी फिर एंड कर देता, वो किलोमीटर कढ लैंदे ने माइनस करके कि अज इन्ने किलोमीटर चले आ, तो ड्राइव दे हिसाब नाल कितना ड्राइव ते तुहाडे किलोमीटर मैच होने चाहिए। सिटी च तो नहीं, हाईवे च तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 1 घंटे च 100 किलोमीटर होना चाहिए तुहाडा हाईवे च। टाइम हो गया जी 7:15, चलो अज कंटेनर वर्क नहीं है, साडा काम है ट्रेलर का, अज चल के देखने पहली डिलीवरी साड़ी कित्थे दी मिली, तां दहाने जी। दोस्तों ये हम आ गए हैं अपने यार्ड में, आज हमने करना है ड्राई वैन का काम, ड्राई वैन कंटेनर वर्क किया है 3 दिन। अब ड्राई वैन, कभी ड्राई वैन कभी कंटेनर वर्क, कोई पता नहीं, जो भी आ जाए कर लेते हैं। लो जी ट्रेलर ही नहीं है यहाँ पर, ट्रेलर यहाँ पर मौजूद नहीं है, दूसरे यार्ड में जाना पड़ेगा ट्रेलर के लिए। 592 ट्रेलर नंबर जी, एक मेक श्योर कर लें कौन सा ट्रेलर पिक करना है हमने।
53592 साथ ही हमारा दूसरा यार्ड भी है। तो आपको नजर आ रही है? हाँ हाँ मजा आ रहा है। 592 ये देखें, ये लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना दरान भाई की, ये ऐसे और भी ड्राइवर्स आते हैं यहाँ पे क्लीनिंग करवाने के लिए। 592 592 592 ये कुछ ट्रेन। अच्छा हमारी कंपनी में कंटेनर का भी काम है और ट्रेलर्स का भी काम है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो कभी कभी हम ये ड्राई वैन ट्रेलर्स का काम करते हैं और कभी कभी कंटेनर वर्क जो मिल जाए। 592 592 यहाँ पर भी नहीं है, अभी हम देखेंगे कि 592 है कहाँ। ये यार्ड देख रहे हैं आप, सारी तकरीबन डॉक्स खाली है और 592 नहीं मिल रहा। वो 592 पीछे ट्रक के साथ लगा हुआ है। मैंने जहाँ से ट्रेलर पिक करना है वहाँ पे आगे ये एक ट्रक ये खड़ा है ट्रेलर के साथ, वो आगे रास्ता ब्लॉक था, वो कंटेनर वर्क क्लीन कर रहे थे। ये लगाएंगे सर ब्लू वाली ब्लू पे, रेड वाली रेड पे, इलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक वाली। वो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक, यहाँ से जाके हम रेड वाली एयर जो है उसको इन कर दें। इंस्पेक्शन 23-6 जगह नज़र आ रही है आपको छोटी सी, यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइट सा ये डोली लग ऊपर हो गई है, अब पीछे जाके हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि पीछे जगह तंग है। तो हम क्या करेंगे, ट्रक को आगे लेके जाएंगे। और आगे फिर जगह ब्लॉक है क्योंकि वो कंटेनर की क्लीनिंग कर रहे हैं। तो उतनी देर हम क्या करेंगे, हम इंस्पेक्शन कर लेंगे कि ट्रेलर ठीक है। ये जो आपको तीन नज़र आ रहे हैं ये जेंसेट है, इनके नीचे जेंसेट है और वायर लगी हुई है, ये कोल्ड स्टोरेज करते हैं और हॉट चीज़ों के लिए होता है, ये स्टोरेज हुआ होगा कुछ चीज़। पेपर हमारे जो फ्राई वैन के होते हैं कास्को के, ये कास्को पे जा रहा है, उसके बिल पीछे पड़े होते हैं, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये रात को ही उन्होंने हमारे जो है ना
ट्रेलर जो है ना वो लोड करके पेपर उनके अंदर रख देते हैं। हमारी क्लियरेंस लाइट नहीं चल रही, बाकी लाइट्स चल रही हैं, क्लियरेंस लाइट क्यों नहीं चल रही इसको? यहाँ तो ट्रक की लाइट बंद है, यहाँ से तो चल रही है ये देखिए, फिर पीछे क्लियरेंस लाइट नहीं चल रही, तो उसके लिए वायर के साथ ही सील वगैरह समटाइम होता है, वायर जो होती है वो लूज़ हो जाती है, ये जो वायर है ये लूज़ होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस तरह से कोई सील नीचे रख के दोबारा से पुश करते हैं, उससे समटाइम होता है ये चल जाती है, लेकिन फ्लाइट नहीं चल रही, हाजा प्रॉब्लम। तो अब हम देखेंगे ब्रेक लाइट चल रही है कि नहीं, ब्रेक लाइट्स चेक करेंगे कैसे, ब्रेक लाइट्स यहाँ पे दो बंदे होने चाहिए जो ब्रेक को पुश करें और बताए, लेकिन अगर कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे इस बैग के अंदर ये वाला हैमर डालेंगे, ये वेट बन गया, और हम ट्रेलर की जो ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे, ये ट्रेलर की ब्रेक है, अगर तो ब्रेक चल रही है तो फिर तो इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि ब्रेक अगर आप लगाते हैं तो पीछे पता चलना चाहिए कि ब्रेक लगी है, ये देख ब्रेक चल रही है, क्लियरेंस लाइट में प्रॉब्लम है उसका कोई इशू नहीं, उसको हम जाके वहाँ पे कास्को में देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इशारे भी चल रहे हैं और ब्रेक भी चल रही है, क्लियरेंस लाइट जो है उसकी किसी वायर में प्रॉब्लम होगी उसको वहाँ पे जाके चेक करेंगे, वो लास्ट टाइम भी मेरा एक फ्यूज़ जो है वो मैंने चेंज किया था तो वो ठीक हो गया था, मुझे लगता है वही फ्यूज़ प्रॉब्लम कर रहे हैं वो आगे इस साइड पर, तो उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए जो टेंशन है वो रिलीज हो गई, ये दोबारा ब्रेक से निकाल के यहाँ पे रख देंगे इसको, हैमर निकाल लेंगे बाहर, चल भाई अपनी जगह पे वापस, और ये ड्राइवर्स के टूट गए हैं कि अगर साथ दूसरा ड्राइवर नहीं है तो हम इस तरह से मैक्सी ब्रेक को भी यूज़ कर लेते हैं, एक भाई ने पहले भी पूछा था अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करते हैं, ट्रक की ब्रेक अगर फेल भी हो जाए तो ये मैक्सी ब्रेक हमारे पास होती है जो पीछे से ट्रेलर को रोक सकती है, और अगर ना हो तो मैनुअली तौर पे, अगर खाली ट्रक पे जा रहे हैं तो मैनुअली तौर पे आप जैसे गियर को छोड़ो डाउन शिफ्ट पे ला के आहिस्ता 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 जो कर सकते हैं ब्रेक से एक्सीलेटर को उठा के, वही तरीका ब्रेक फेल वैसे होती नहीं ज़्यादातर, चले इंस्पेक्शन इसकी ट्रेलर की लिखी हुई है पहले से 592, चले अब हम रेडी टू गो, अब हम चलेंगे कास्को, कास्को जाके इसको डिलीवर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कास्को में क्या हो। जी दोस्तों अब हमने यहाँ पे ये वाला ट्रेलर ड्रॉप करना है, यहाँ पर यूजली ट्रेलर ड्रॉप होते हैं, बस ये मेट्रो है, यहाँ पर हम आकर ट्रेलर ड्रॉप कर देते हैं और ये खुद ही इनके शंटर जो हैं वो डिलीवरी करवा के यहाँ पर एम्प्टी ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम आके यहाँ पर एम्प्टी पिक करके ले जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पिन हम खींचेंगे, ये फिफ्थ व्हील की पिन को हमने बाहर निकाल लिया जिससे ये लॉक हुए हैं दोनों चीजें, अब हम अपनी वायर्स भी उतार लेंगे, इसकी ब्रेक जो है वो वाली ब्रेक हमने प्रेस नहीं की थी अंदर, तो उसमें से एयर की आवाज आ रही थी, तीसरा काम डोली लग,
सस्पेंशन को हमने नीचे किया, ये देखे फिफ्थ व्हील जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, फिर ट्रेलर्स के नीचे से हम आराम से ट्रक को बाहर निकाल लेंगे, ट्रैक्टर को। इसको बोलते हैं सस्पेंशन डंप करना। लो जी, इतना काम था। Whip up my appetite. Don't leave me.